बहुत हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस का यह त्यौहार मनाया जा रहा है और इस बार विशेष यह है कि 2-3 सालों के बाद फिर से आम साधारण लोगों के लिए चर्च परिसर खोला गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। अभी हम समस्तीपुर चर्च में हैं और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विगत 2 सालों से कोरोना काल था। कोरोना काल रहने के कारण जो है चर्च में जो है हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे क्रिसमस डे नहीं मना पा रहे थे और नहीं मनाया जाता था क्योंकि कोविड का रिस्ट्रिक्शन था कहीं ना कहीं। लेकिन आज जब ये हम 2022 में हैं और 2022 में कोविड का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो देखिए मेरे पीछे कितने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है और करीब यहाँ पे बता दे तो 5-10 हज़ार लोग का भीड़ जमा हुआ है और बहुत अच्छा व्यवस्था है। मेला का भी शुभारंभ किया गया है और बहुत सारी व्यवस्था है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। बहुत भाई लोग आए हुए हैं। भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। कोरोना में 2 साल से बंद था, कैसा लग रहा है? हाँ, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए क्या बताइए, अच्छा लग रहा है बहुत ही। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं साथ में, और क्या चाहिए। कोरोना से तो मतलब जीना ही मुश्किल कर दिया था, अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं? देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सभी लोग खुश हैं और यहाँ पे जिस तरीके से लोग उमड़ आए हैं हर्षोल्लास के साथ इस बार मनाया जा रहा है। और हम आपको यहाँ से पिता जो है हम पिता से भी मिलकर आपको यहाँ के बारे में बताने का प्रयास करेंगे आपको। चलिए यहाँ से ले चलते हैं हम आपको चर्च के पिता के पास, क्या कुछ वो बताते हैं आज यहाँ के चर्च के बारे में हम आपको सुनाते हैं। फादर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम फादर विकास। विगत 2 साल से कोरोना काल चल रहा था जिसके दौरान क्रिसमस डे जो है आज हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जाता था। आज जब कोरोना काल नहीं है तो किस प्रकार से यहाँ पे मनाया जा रहा है? इस बार बहुत हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस का यह त्यौहार मनाया जा रहा है और इस बार विशेष यह है कि 2-3 सालों के बाद फिर से आम साधारण लोगों के लिए चर्च परिसर खोला गया है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में लोग हैं जो यहाँ पर घूमने के लिए, कैंडल जलाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं और इससे लोगों में उत्साह जगी है, लोगों में हर्ष की एक बहार है कि फिर से उन्हें थोड़ा सा एक जीने का मौका मिला है और लोग प्रभु को दर्शन करने, अपनी प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस बार जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश देंगे आज के इस अवसर पर? हम लोग यही संदेश देंगे कि प्रभु ईसा मसीह संसार में शांति, प्रेम, करुणा, क्षमा का संदेश लेकर आए। तो यदि हम वास्तव में उनके इस पर्व को मना रहे हैं तो हमको भी उनके इन गुणों को अपना कर अपने जीवन में लागू करना होगा और एक दूसरे के साथ प्रेम, करुणा, क्षमा के साथ जीवन बीतना होगा। कितना श्रद्धांजलि आए होंगे? लगभग आज लगभग 5,000 से ऊपर लोग यहाँ पर आ चुके होंगे। और यहाँ की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है ऐतिहासिक? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम यह कहें कि यह समस्तीपुर में रोमन कैथोलिक का अकेला चर्च है और जिस कारण से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और पूरे जिला में और कोई दूसरा चर्च नहीं है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अपने विश्वास को प्रकट करने या प्रभु का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, विगत 2 साल के बाद जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, आगे इससे आगे आने वाले साल में इससे ज़्यादा कुछ करने का क्या प्रयास रहेगा? इससे ज़्यादा कुछ करने का प्रयास किया जाएगा कि लोगों को थोड़ा और व्यवस्थित रूप से यहाँ से आने जाने की व्यवस्था की जाए ताकि बिना किसी समस्या के, बिना किसी तकलीफ के लोग आराम से यहाँ पर आ सके और प्रभु का दर्शन करके जा सके। यहाँ पे जो है जैसे कि आप तो ज़्यादा समय बिताते होंगे, ये गेट जो है आपका ये चर्च का जो है कब से कब तक खुला रहता है ताकि कोई भी आना चाहे तो वो आ जाए? आज के दिन नहीं, आधा दिन भी। अन्य दिन चर्च का परिसर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है तो लोग प्राय यहाँ पर आते हैं, अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और जाते हैं। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या भूमिका रही है? क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और आज हम याद करते हैं कि आज ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए और मानव कल्याण के लिए कार्य किए। और कुछ संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से जनता को? आपके जनसंख्या के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि
हम लोग जहाँ भी रहें एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, क्षमा के साथ, भाईचारे के साथ रहें, यही हमारा हर धर्म तो बाद में आता है लेकिन सबसे पहले आता है इंसानियत। तो इंसानियत के धर्म को निभाते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम, भाईचारा और शांति के साथ रहें। लेकिन ऐसा तो अभी दिखता नहीं है जैसा बता रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अगर कोई आता है तो इस प्रकार का समझाते होंगे आप लोग उन लोगों को? जी, यही मानवता का धर्म है। यदि हम आपके साथ या किसी के साथ प्रेम, शांति, क्षमा से नहीं रह पाएंगे तो हमारे बीच शांति नहीं रहेगी। शांति नहीं रहेगी तो हम प्रसन्नचित नहीं रहेंगे, प्रसन्नचित नहीं रहेंगे हम कार्यों को नहीं करेंगे और हम बीमारी के शिकार होते जाएंगे। तो आज देखते हैं कि लोग अस्पतालों में बहुत भारी संख्या में लोग रहे, इसका मेन कारण है कि हम आपसी द्वेष, वैमनस्य की भावना अपने मन में रखते हैं और ये हमारे हृदय में चिंता का कारण बनती है और चिंता और चिता में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। पिता, जैसे कि कोरोना काल आप भी अगर न्यूज व्यूज देखे होंगे तो पता चल रहा है कि कोरोना फिर से शायद आने वाला है। कहीं कहीं आप नीतीश कुमार जी बोले कि हम उसके लिए तैयारी में, तो यहाँ जो आते हैं उनको कोरोना के लेके भी कुछ गाइडलाइन दिया जा रहा है? गाइडलाइंस बहुत अच्छी तरह से दिया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आपसी दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें और जो समय समय पर हाथ धोते रहें, ये बातें बताई जा रही हैं। लेकिन आज के दिन देख रहे हैं कि लोग इस बात को भूल करके उस उल्लास में हैं कि इस बातों को भूल रहे हैं, लेकिन आम दिनों में हम लोग प्राय प्रयास करते हैं कि इस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए क्योंकि ये बहुत ही घातक है और लोगों के जीवन के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। कोरोना के लेके भी कुछ प्रार्थना की होगी? कोरोना को लेकर हम लोग प्राय प्रार्थना करते हैं, समस्त विश्व में शांति के लिए, उत्सवों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और आज भी हम लोगों ने प्रार्थना की है कि ये बीमारी विशेषकर अभी हमारे देश में नहीं पहुंचा है, ना पहुंचे, ताकि हमारे देश के लोग विशेषकर अमन, प्रेम और चैन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये चर्च का क्या नाम है? इस चर्च का नाम है संत फिदेलिस चर्च समस्तीपुर। जैसा कि समस्तीपुर चर्च के पिता मेरे साथ थे और इन्होंने बताया और आपने सुना भी, और अभी हम आपको इस तरह का तमाम खबर हम दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए केवल सच। मैं हूँ अफसर आलम, धन्यवाद।